नमस्ते, बाला डिलीवरी डायरी में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी एंड आपकी फ्यूचर की एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता ही है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ को जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हमें हौसला मिले अपना काम को अच्छी तरह से करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखते हैं आपकी ओवरऑल पूरे महीने की एनर्जी कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, पूरा महीना आप बहुत जोश में रहोगे, आप कुछ नया कुछ करना चाहोगे। हो सकता है आप किसी के साथ फिजिकली अटैच हो जाओ, आप में वो अट्रैक्शन पावर खुद में भी रहेगा, आप दूसरों को भी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, आप भी अट्रैक्ट हो सकते हो। आप बहुत जल्दबाजी में काम करोगे, आप में ठहराव थोड़ा कम रहेगा, आप जो कुछ भी करना चाहोगे जल्दी जल्दी करना चाहोगे और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहोगे। अगर प्यार में पड़ते हो, प्यार के मामला हो तो आप उसको और एक आगे लेवल आगे ले जाना चाहोगे। ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन मंथली रीडिंग है, इसमें हम सब कुछ देखेंगे और जैसा जैसा कार्ड आएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो आपका पूरा महीने का जो ओवरऑल एनर्जी है वो बहुत ही हाई और पॉजिटिव एनर्जी है। आप रिस्क लेना चाहोगे, आप अगर प्यार में हो तो एक कदम आगे जाना चाहोगे, अगर आप जॉब बिजनेस किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सोच रहोगे, सोचते थे तो अभी आप उस चीज़ पे रिस्क लेना भी चाहोगे। अब देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कुंभ राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पास्ट की एनर्जी, पास्ट में आप कॉन्फ्यूज थे, सेवन ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। हो सकता है पास्ट में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जॉब, रिश्ता, बिजनेस, परिवार, हर चीज़ में आपके पास हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शन था, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन था, दो ऑप्शन था, तो आप सही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप थोड़ा कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी डिसीजन लेने में, ऐसी आपकी पास्ट की एनर्जी है। अगर हम सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्या आता है, क्यों आपकी एनर्जी पास्ट में कंफ्यूजन भरा था, इसको हम देखेंगे कि पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसा क्यों था, पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसा क्यों था। द मून का कार्ड, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अच्छा, पास्ट में आप कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि हो सकता है आपके पास आपका परिवार भी था और किसी क्षेत्र में आपका किसी के साथ किसी बात को लेके आप में आप लोगों में कहासुनी हो सकती है। हो सकता है आप किसी चीज़ से दुखी थे, परेशान थे, आपका जो मानसिक स्थिति था वो थोड़ा कमज़ोर था, आप ट्रॉमा में थे, आपको लग रहा था किसी ने आपसे झूठ कहा है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, या फिर कोई आपसे बातें छुपा रहा है, या फिर बार बार आपको अपमानित कर रहा है। तो तरह तरह की चीज़ें जो है पास्ट में आपको परेशान कर रहा था, लेकिन आप में एक अच्छी चीज़ भी थी,
आप इन सारी चीज़ों को अपने परिवार के साथ रह के सहा और इस परेशानी में आपने परिवार का साथ दिया और उनके साथ रहा भी, लेकिन फिर भी आप कॉन्फ्यूज थे कि जो हो रहा है आपके साथ, जो घट रहा है या फिर जो चीज़ें आप सोच रहे थे जैसे वैसा नहीं है, तो क्या करे क्या ना करे। इसीलिए पास्ट में जो आपकी एनर्जी थी वो कॉन्फ्यूजन भरा एनर्जी था। कभी कभी आप ये भी सोच रहे थे कि मैं परिवार को चुनूं या किसी और चीज़ को चुनूं जो मेरे लिए सही है, लेकिन क्या करे परिवार के लोग, हो सकते कोई आपको धोखा दिया है, ऐसा आपको लगता था पास्ट में। इसी कारण आप परेशान थे, आप दुखी थे और आप कॉन्फ्यूज भी थे कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, मार्च के महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है वो द सन का एनर्जी है। प्रेजेंट में आप बहुत खुश हो, आप खुश रहना भी चाहते हो। जैसा मैंने कहा, आपने पास्ट में परिवार का साथ नहीं छोड़ा था या फिर परिवार ने आपका साथ नहीं छोड़ा था, आप कितनी भी परेशान थे, तो प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है द सन की कार्ड आया है, आपका एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आप परिवार चाहते हो, एक छोटे बच्चे की एनर्जी में रहना चाहते हो, आप चीज़ों को नई तरह से देखना चाहते हो, आप खुद को इमैच्योर तरह से बिहेव करना चाहते हो, आप चाहते हो जैसे एक छोटा बच्चा सब कुछ भुला के, कुछ ना जान के, भुला के मतलब जो जिनको कुछ पता नहीं होता है जैसे वो बिहेव करता है, वो ऐसे आप खुद को ट्रीट करना चाहते हो। आप एक नई शुरुआत चाहते हो, चाहे वो रिश्ते में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जिसी भी चीज़ से आपको पास्ट में परेशानी थी, आप उस चीज़ को भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हो। अब देखते हैं द सन का कार्ड क्यों आया है। तो अगर मैं देखूँ द सन का कार्ड को, अगर मैं क्लैरिफाई करूँ, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल का कार्ड आया है, क्योंकि आपको इंतज़ार है सही चीज़ का, सही वक्त का। हो सकता है पैसों को लेके अगर आप परेशान थे, अगर किसी कारण पैसों के कारण अगर आपकी परेशानी थी, परिवार में कोई झंझट चल रहा था या फिर पैसों को लेके आप परेशान थे, इसीलिए आप सोच नहीं पा रहे थे कि कौन सा जॉब, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, तो अभी आपके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, क्योंकि आपने रुका है, आपने सही चीज़ का इंतज़ार किया है और जो कुछ आपने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, अभी आपके पास सब कुछ है। आपके पास पैसा है, नॉलेज है, आपके पास परिवार है, तो अभी आप चीज़ों को नई तरह से शुरू करना चाहते हो। द फूल का कार्ड आया है, आप अभी किसी के नहीं सुनोगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही करोगे। हो सकता है आप बच्चों की माता या पिता बनना चाहते थे पहले, लेकिन किसी कारण, पैसों के कारण हो सकता है, हो सकता है रिश्ते में कोई प्रॉब्लम था इसीलिए आप उसको नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है आपने, और अभी आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, जॉब हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, जो चीज़ आपको परेशान कर रहा था, अभी आपने रुक के उस चीज़ को समाधान कर लिया है। आपने एक स्टेबिलिटी पा लिया है, आप जिस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है वो सही वक्त अभी आ गया है, इसीलिए आप अभी एक नई एनर्जी में हो, आप नई तरह से चीज़ों को करना चाहते हो। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। बैलेंस का, सिक्स ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है, फ्यूचर में भी आप सारे चीज़ों को बैलेंस करोगे, क्योंकि हो सकता है पैसों को लेके आपको कोई परेशानी थी,
किस कारण परिवार में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो फ्यूचर में भी आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे। जहाँ जितना वक्त या पैसा देना है आप उतना दोगे, जितना नहीं देना है उसको आप संभल के खर्च करोगे, तो आप फ्यूचर में आपकी जो एनर्जी रहेगी वो बैलेंसिंग का एनर्जी रहेगी। अभी देखते हैं कि सिक्स ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप बैलेंस करना चाहते हो फ्यूचर में। सिक्स ऑफ कॉइंस का कार्ड क्यों आया है, अगर हम सिक्स ऑफ कॉइंस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है। अच्छा, क्योंकि कार्ड आया है सिक्स ऑफ वॉन्स का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड। फ्यूचर में आप चीज़ों को इसीलिए बैलेंस करना चाहोगे क्योंकि आपके पास जैसे पास्ट में ऑप्शन था, फ्यूचर में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। हो सकता है आप किसी रिश्ते में हो, जिस रिश्ते में आप हो वो रिश्ता आपके लिए बहुत ही खुशहाल रिश्ता है, फिर भी आपके पास और भी ऑप्शन है। जिस जॉब में आप हो वो जॉब आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है जिसको पाके आप खुश हो, या बिजनेस करके फिर भी आप किसी बेटर ऑप्शन की तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास जो भी ऑप्शन है बहुत अच्छा है, फिर भी इससे भी बेटर ऑप्शन की तरफ आपका नज़र रहेगा। और हो सकता है जो आपके पास है आप उसको इग्नोर कर जाओ, तो इसी कारण आपको लगेगा अगर हमें दो दो चीज़ रखनी है, चाहे वो दो जॉब हो, दो बिजनेस हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, तो मुझे बैलेंस करना ही होगा। अगर आपने किसी के साथ आपका अगर शादी हो चुका है फिर भी आप किसी के साथ रिश्ते में हो, या फिर आप रिश्ते में जाना चाहते हो, या फिर पहले से ही आप किसी के साथ रिश्ते में हो, तो आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे क्योंकि जो आपके पास है वो तो है ही, क्योंकि आपका जो एनर्जी रहेगा फ्यूचर में थोड़ा फ्लर्ट करने की एनर्जी आप में रहेगी। आप किसी के साथ रिश्ते में भी जा सकते हो, आप किसी के साथ सेक्स के लिए किसी के साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हो, क्योंकि पूरे महीने की जो आपकी एनर्जी है वो नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, तो आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हो, क्योंकि आपके पास परिवार भी रहेगा, आपके जॉब भी है, आप स्टेबल भी हो, और आप किसी के साथ शादी भी करना चाह सकते हो। हो सकता है आप शादीशुदा हो फिर भी आप किसी के प्रति अट्रैक्शन फील करो, तो फ्यूचर में आपको लगेगा अगर हमें दोनों ही चीज़ें रखनी है, ये सिर्फ प्यार के लिए नहीं होगा, जॉब बिजनेस किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको दोनों ही चीज़ रखनी होगी तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए फ्यूचर में जो आपकी एनर्जी रहेगी वो बैलेंस की एनर्जी रहेगी, और आप दोनों ही चीज़ें चाहोगे क्योंकि आप खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हो। आपको पता है कि आप अट्रैक्टेड हो, आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हो, या फिर आपके साथ कोई भी शादी करना या रिश्ते में आना पसंद करता है। कहीं अगर आप जॉब भी करते हो अच्छे कंपनी में, वहाँ भी आपकी वाहवाही होती होगी। हो सकता है आप जो हो एक्वेरियस, कोई तो है जो ये रीडिंग सुन रहा है जिसकी भी एनर्जी मैच कर रहा है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है। हो सकता है सोसाइटी में, हो सकता है छोटी मोटी कोई कम्युनिटी में वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, लेता है, लोगों को प्यार देता है, प्यार लेता है, मतलब हमेशा लोगों की नज़र में वो बना रहता है। इस तरह की अगर आप पर्सनैलिटी हो तो आपको फ्यूचर में तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी एनर्जी ओवरऑल मंथ की है उसमें थोड़ा फ्लटरिंग एनर्जी तो है, जोश भरा है एनर्जी। आप किसी के साथ रिश्ते में जा भी सकते हो, या फिर पहले से अगर हो तो आप इंटीमेसी चाहोगे, तो आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स ही आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं।
कार्ड आया है 10 of Wands का कार्ड, 6 of Swords का कार्ड और 9 of Cups का कार्ड। यूनिवर्स ये आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी रिश्ता, कोई भी काम, कोई भी जॉब अगर आपको बोझ लग रहा है तो उसको आप अपने से अलग कर सकते हो। आप पूरा बोझ अपने सर पे मत लीजिए, काम का बोझ हो, रिश्ते का बोझ हो, बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ का अगर बोझ आपको बोझ लग रहा है वो चीज़, तो आप उससे थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्योंकि रिवर्स में आया है तो मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। मैं बोलूंगी आप जो चुप्पी साधने की जो काम है वो आप मत करो, आप खुल के बोलो, जो भी आपको बोलना है उसको बोल दो। और आप अपना जो इमोशन है अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको गुस्सा हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो आप बोलो। कोई भी रिश्ता अगर चीज़, बिजनेस, जॉब, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको वो चीज़ बोझ लगता है तो उसको कम कीजिए, लोगों के साथ बांटिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है तो आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले सकते हो और अपनी चुप्पी को आप तोड़ सकते हो, तब जाके आपकी जो एनर्जी है वो एकदम से फिट करेगा आपके नेचर के साथ। क्योंकि अगर आप चुप रहते हो, कुछ नहीं बताते हो, तो सारा चीज़ जो है, जो मामला है वो गड़बड़ा सकता है। तो आप चुप्पी मत साधिए, परेशानी को बांटिए चीज़ों से। अगर आपको खुशी नहीं मिल रहा है तो थोड़ी देर के लिए खुद को उस चीज़ से अलग कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।